हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है बजाज पल्सर 150। और अभी हम हैं मिशन बजाज सिवान में। अगर आपको बजाज का कोई भी बाइक लेना है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो आप आकर ले सकते हैं। बाकी अभी चलते हैं, हम बात करते हैं इस वाले मॉडल का। ये है सिंगल सीट भाई और सिंगल डिस्क वेरियंट। इसमें भी आते हैं बहुत सारे फीचर्स, साथ ही साथ इसमें डिजिटल मीटर आते हैं। तो इस बाइक का पूरा वॉक अराउंड दिखाएंगे आपको, पूरा का पूरा इसके फीचर्स बताएंगे, कितने रुपए आपको पड़ने वाले हैं। ऑफर चल रहा है भाई इस पे, 5000 का डिस्काउंट चल रहा है यहाँ मिशन बजाज सिवान में। तो आप आइए, शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन प्लस स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे गिफ्ट भी मिलेंगे, साथ ही साथ देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे गिफ्ट लगे हुए हैं, वो सारे गिफ्ट भाई इस फेस्टिवल ऑफर में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं इस बजाज पल्सर 150 के बारे में। तो भाई देखो, इस बाइक का एक शोरूम प्राइस पड़ने वाला है 1,14,816 रुपये। बाकी इस पे 5000 का डिस्काउंट पड़ रहा है। तो अगर आपको ऑन रोड प्राइस ऐसे देते हो, बिना डिस्काउंट के लेते हो ऐसे नॉर्मल डेज में, अभी फेस्टिवल सीजन अगर आपको अप्लाई नहीं होता है, तो 1,37,992 रुपये आपको पड़ेंगे ऐसे ऑन रोड प्राइस। बाकी आपको फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे और ऑफर है इस पे 5000 का डिस्काउंट, तो आपको ऑफर प्राइस पड़ने वाला है 1,32,992 रुपये। बाकी अब चलते हैं, इस बाइक का प्राइस बता दिया, पूरे के पूरे वॉक अराउंड दिखाते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या आपको मिलते हैं। सबसे पहले फ्रंट का हेडलाइट से शुरू करते हैं, रियर में साइड प्रोफाइल, इंजन कैसा है, टायर वगैरह कैसा मिलता है, ब्रेकिंग कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, हर वो चीज़ के बारे में बात करेंगे एक एक के डिटेल के बारे में। तो भाई आपको सबसे पहले फ्रंट से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको लोगो मिलने वाला है जो कि थोड़ा रबर फिनिश में है बजाज का, साथ ही साथ आपको फ्रंट में इसमें मिलने वाला है हेलोजन हेडलाइट। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे दो छोटे छोटे यहाँ पे पायलट लैंप कह लो या हेड लैंप कह लो, छोटा छोटा जो इंडिकेटर करता है साइड में जलते रहता है वो मिलता है। और साइड इंडिकेटर का बात करें वो भी आपको हेलोजन मिलता है ऑरेंज कलर का। और ये देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, लेकिन अंदर आपको ऑरेंज बल्ब मिलेंगे। फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा है भाई, आपको फ्रंट से लुक इसका कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें स्मार्ट गार्ड का, तो देख सकते हो इस पे थोड़ा सा कार्बन फिनिश टेक्सचर है, बाकी ग्लॉस ब्लैक में। इधर से देखोगे तो इसके कलर है ब्लैक कलर में, रेड ब्लैक कलर है ये बाइक पूरी की पूरी। इस साइड का प्रोफाइल का बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ग्राफिक वगैरह पूरा का पूरा इसमें चेंज है। 150 यहाँ पे लिखा मिलेगा वाइट कलर में, बाकी यहाँ पे देखो थोड़ा सा कार्बन फिनिश, बाकी यहाँ पे रेड कलर भी है और सिल्वर कलर में यहाँ पे आपको पल्सर देखने को मिलेगा, वो भी 3D में। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे 3D में आपको पल्सर लिखा हुआ मिलेगा। टैंक पे यहाँ देखोगे टैंक पैड भी मिलेगा इधर। साथ ही साथ आपको दिखा दूँ इस साइड का प्रोफाइल, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक मिलेगा वही कार्बन फिनिश वाला, यहाँ पे आपको मिलेगा 150 वाइट कलर में लिखा हुआ। ये हो गया साइड प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आप देख सकते हो भाई यहाँ पे आपको वही मिलने वाला है, रियर टेल लाइट, इंडिकेटर, बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर एक मिलेगा, इधर भी आपको एक लाइट मिलेगा नंबर प्लेट लाइट। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा होने वाला है और रियर प्रोफाइल इस तरफ का भाई वही सेम टू सेम है, जिसमें आपको 150 स्टिकरिंग यहाँ पे मिलेगा। इस तरफ पूरा का पूरा ब्लैक है भाई। टैंक पे आप देखोगे पल्सर 150 लिखा हुआ है यहाँ पे मिलेगा। किक स्टार्ट अभी भी आता है इस बाइक में भाई, 150 के सेगमेंट में आती है, बाकी किक स्टार्ट इसमें अभी मिलने वाला है। सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है, सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है और इसके साथ साथ आपको इसमें किक स्टार्ट भी मिलता है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा वॉक अराउंड। अब बात करते हैं इसके फीचर्स वगैरह की, इंजन कैसे हैं, बाकी इसके डिटेल्स के बारे में। पूरा का पूरा वॉक अराउंड तो दिखाई दिया, अब बताते हैं कि इसके इंजन कैसे मिलने वाले हैं। तो देखो भाई इसके इंजन आपको मिलता है 149.5 cc का। पावर का बात करें तो इसमें आपको पावर मिलने वाला है 13.8 bhp एट 8500 rpm पे। साथ ही साथ आपको बता दूँ टॉर्क पे, और टॉर्क का बात करें उससे पहले थोड़ा सा आपको कलर दिखा देता हूँ। तो कलर देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लैक कलर में मिलने वाला है आपको। और टॉर्क का बात करें तो 13.25 Nm का टॉर्क मिलता है 6500 rpm पे। तो ये हो गया पूरा का पूरा इंजन भाई। यहाँ पे देखोगे आपको सिल्वर कलर में इसके गियर मिलते हैं, तो देख लो भाई गियर यहाँ से आप देख लो। तो इसमें 5-speed मैनुअल मिलते हैं आपको, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ अभी है, तो एक डाउन है, बाकी एक न्यूट्रल, ऊपर 2, 3, 4, 5 इसमें स्पीड मैनुअल आपको मिल जाते हैं गियर में। टॉप स्पीड का बात करें तो आपको अप्रॉक्स 125 to 130 kmph के स्पीड से चलने वाली है। तो बाइक भाई ये रिलायबल है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पल्सर में भाई जो ये क्रेज़ बना कर रखा है ना, इस बाइक से स्टार्टिंग है और इस बाइक ने भाई पहचान बना कर रखा है। इसके आप देख सकते हो कि भाई अभी नहीं, बहुत ही टाइम से ही अपना पहचान मार्केट में बना कर रखी है, और इसमें भाई कोई कमी नहीं निकाला। उससे अच्छा है कि इसके अपग्रेड्स पर ध्यान दो। देखो कि भाई एक तो पुरानी बाइक है, तब से मार्केट में नाम बना कर रखी है, लेकिन अभी भी वैसा ही इसका क्रेज़ है भाई, बहुत लोगों को पसंद आता है। साथ ही साथ रिलायबल है भाई, इजी मेंटेनेंस है, इसके बजाज की गाड़ी है तो आपको इजीली मेंटेन कर पाओगे इसको। और इसके जो पार्ट्स वगैरह मिलते हैं बहुत ही कम दाम में आपको अवेलेबल हो जाते हैं और हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको इस बाइक के साथ साथ मिलते हैं, इसके फीचर्स के साथ साथ ये चीज़ आपको फ्री में मिलते हैं, मतलब कि इजी मेंटेनेंस है इसके। थोड़ा चलते हैं कंफर्टेबल के साइड में। तो कंफर्ट में आपको सबसे पहले आपको सस्पेंशन दिखा देता हूँ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, तो देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लैक कलर में है, और सस्पेंशन पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे आपको सस्पेंशन पे इस साइड भी रिफ्लेक्टर मिलता है और इस साइड भी आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है।
तो फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो इसमें आपको 31 mm का फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर का बात करें तो रियर में आपको वही मिलते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स, देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स ब्लैक कलर में मिलते हैं, इधर भी आपको वही मिलने वाले हैं। तो ब्लैक कलर दोनों तरफ आप देख सकते हो, इसका कलर भी भाई काफ़ी मैच कर रहा है इस बाइक के साथ साथ। ब्रेकिंग का बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्कप्लेट मिल जाता है, तो डिस्कप्लेट आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका फ्रंट डिस्कप्लेट और डिस्क के साथ आती है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। डिस्कप्लेट साइज़ का बात करें तो आपको 260 mm का डिस्क मिलता है, और रियर ड्रम का बात करें तो देखो रियर में आपको ड्रम ब्रेक है, तो यहाँ पे आपको मिलता है 130 mm के ड्रम ब्रेक। तो ये हो गया भाई रियर और फ्रंट इसके ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भाई अच्छी है, मतलब 150 cc है। बाकी इसके हायर वेरिएंट में जाओगे, यानी कि 150 वाले में ही आप ये बेस वेरिएंट है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे जिसके स्प्लिट सीट आते हैं उसमें आपको मिलते हैं डुअल डिस्क। तो इसमें आपको सिंगल डिस्क मिलता है, ये भी भाई काफ़ी मतलब सेफ है, तो इसमें भी आप ये ले सकते हो। इसके बाद बात करें इसके व्हील का बात करें भाई, तो व्हील आपको 17 inch के अलॉय व्हील मिलने वाला है फ्रंट में और रियर दोनों में, देख सकते हो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है। और टायर प्रोफाइल का बात करें तो टायर आपको मिलने वाला है 80-100-17 के फ्रंट में टायर मिलने वाले हैं, यूरो ग्रिप के टायर मिलते हैं आपको। और रियर में भाई देख लो, रियर में आपको कुछ ऐसा टायर मिलने वाला है। साइड का इसका प्रोफाइल दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि यूरो ग्रिप के ये टायर मिलने वाले हैं आपको। और इस टायर का प्रोफाइल बता दो 190-17 के हैं, अलॉय व्हील के साथ आता है, ब्लैक कलर का अलॉय व्हील है। और इस पर भी थोड़े बहुत ग्राफिक है रेड कलर में, देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्राफिक मिलते हैं रेड कलर में। पूरा का पूरा एक बार टैंक का इसके पूरे ग्राफिक दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो 150 लिखा हुआ कार्बन फिनिश के साथ साथ रेड कलर में है। और इधर भी आपको पैडिंग मिलता है एक रबड़ फिनिश में, E20 अपडेट के साथ आता है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज की बात करें तो आपको इसमें 45 से 50 माइलेज मिल जाता है आराम से भाई, आप इसको अच्छे लॉन्ग राइड पे भी ले जा सकते हो क्योंकि माइलेज अच्छे हैं। तो भाई आपको ये तो हो गया भाई पूरा का पूरा इसके टैंक वैंक फीचर्स डायमेंशन वगैरह बता दिया। सीट हाइट का बात करें तो आपको इसमें सीट हाइट मिलने वाला है 785 mm का, और सिंगल सीट के साथ आती है, स्प्लिट सीट इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आता है, ये बेस वेरिएंट है। और इससे ऊपर वाले जो टॉप वेरिएंट आता है जिसमें डुअल डिस्क आता है उसमें आपको मिलता है स्प्लिट सीट, और ये है भाई सिंगल सीट के साथ। और इसके वेट का बात करें 148 kg का कार वेट है इसके, और ग्राउंड क्लियरेंस भी दिखाता हूँ और साथ ही साथ इसके इंजन काउल भी दिखा देता हूँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको बता देता हूँ, आपको 165 mm के इसके ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं। साथ ही साथ आपको देख लो इधर आपको डुअल स्टैंड मिलते हैं, साइड और सेंटर दोनों स्टैंड मिल जाता है, और 165 mm का इसके ग्राउंड क्लियरेंस है। इंजन काउल भाई देख सकते हो, इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे मिलते हैं। इस तरफ से देख लो भाई, ये हो गया इसके राइडर फुटरेस्ट, जो कि फोल्डेबल नहीं लग रहे हैं भाई, फोल्डेबल तो नहीं है, बाकी यहाँ पे ये आपको फोल्डेबल मिलता है, पिलियन फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड इधर से आपको मिल जाएगा। और इस तरफ देख लो भाई, इसके ब्लैक कलर में एग्जॉस्ट है, और इस तरफ देखोगे यहाँ पे आपको यही पिलियन फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है रियर ब्रेक, क्रैश गार्ड आपको कंपनी फिटेड ही मिल रहा है। इसके मीटर कंसोल की तरफ चलते हैं, तो मीटर कंसोल का बात करें तो इसमें आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ बहुत सारे फीचर, देख सकते हो यहाँ पे आपको ABS का लाइट भी शो हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे इंजन चेक लाइट, साथ ही साथ आपको इसके हाई बीम का शो कर रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर दिखा दो, तो यहाँ पे इंडिकेटर शो हो रहा है, और यहाँ पे RPM मीटर, स्पीड, फ्यूल, टाइम, ब्लूटूथ कनेक्शन, ट्रिप वगैरह, यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हो। इस तरफ देखोगे हाई बीम, लो बीम और पास लाइट यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर और हॉर्न, इंजन किल स्विच, साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट बटन, यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड मिलते हैं साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर कह लो, ये देखोगे आप तो आपको USB चार्जिंग यहाँ पे आपको मिलता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भाई बहुत सारा ऐड कर दिया है, बाइक तो बहुत पुरानी मॉडल है, मतलब कि भाई सालों से लोगों को पसंद आता है ये बाइक, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, लेकिन इसके भाई क्रेज अभी भी है। मॉडर्न फीचर के साथ ऐड करते जा रहा है, ब्लूटूथ कनेक्शन, USB चार्जिंग, यहाँ पे डिजिटल मीटर, ये सब कुछ आपको ऐड कर दिया है इसमें। इस तरफ देखोगे तो आपको हैंडल में मिलता है वेट बार, बाकी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर, कुछ क्वालिटी भाई एकदम टॉप नॉच क्वालिटी है भाई, बजाज का क्वालिटी तो मस्त ही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई आपको अफोर्डेबल बनाता है ये बाइक, E20 अपडेट के साथ दिखाई दिए यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह, तो ओवरऑल सब कुछ इसमें आपको कवर हो गया। तो देखो भाई जितने भी डिटेल्स थे आपको ओवरऑल लगभग हम कवर कर दिए, बाकी आपको को एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए कम प्राइस में, मतलब 130,000 130,000 का आपका बजट है, और स्टूडेंट हो, एक रिलायबल बाइक चाहते हो जिसमें कि आपको कंफर्टेबल भी हो, साथ ही साथ आप डेली राइड के लिए यूज कर सको, जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंस ना लगाना पड़े भाई डेली, इसके माइलेज भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। बजाज के बाइक भाई ऐसे ही क्रेज बना कर रखे हैं, और खास करके ये बाइक है भाई,
तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने, 1,32,000 अप्रॉक्स आपको पड़ने वाले इसके, और आप यहाँ से आकर बुकिंग करा सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव। आई वांट टू रीच 1 मिलियन, सो प्लीज सर पकड़ आई, ओके थैंक यू।